नमस्कार दोस्तों, कानून का दरवाज़ा चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं आपको फर्जी केवाला न्यायालय में कैसे कैंसिल कराए जाते हैं, इस संबंध में चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, आजकल समाज में ऐसी बहुत सारी घटनाएं घट रही है और इस तरह की शिकायतें आ रही है, न्यायालय में भी बहुत तरह की ऐसी केसेस आ रहे हैं कि जिस ज़मीन को आज से कुछ वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व या कुछ समय पूर्व आपके पिता द्वारा बजरिए के वाला ख़रीद किया गया है, या फिर आपके द्वारा में कुछ वर्ष पूर्व ज़मीन का केवाला कराया गया है, तो उसी ज़मीन को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दोबारा केवाला ले लिया जाता है। आप यद्यपि उस ज़मीन का केवाला खरीद करने के बाद उसका अपने नाम से मोटेशन भी करा लिए हैं, आपका लगान रसीद भी निर्गत हो रहा है, फिर भी आपके साथ इस तरह की घटनाएं घट जाती है। और इस तरह की जो घटनाएं हैं, आप जिस वेंडर से ज़मीन खरीदते हो उसी वेंडर के वारिसान या फिर उनके रिश्तेदार अक्सर इस तरह की घटनाएं करते हैं, और जो पिता द्वारा केवाला कर दी गई है वैसे भूमि को नॉइंगली वह किसी अन्य व्यक्ति को बेच देता है, दोबारा उसका केवाला कर देता है। इतना ही नहीं बल्कि उस फर्जी केवाला के आधार पर वह अंचल कार्यालय को मेल में ला करके उस फर्जी केवाला के आधार पर उस ज़मीन का मोटेशन भी करा लेता है और उसका लगान रसीद भी प्राप्त कर लेता है। यद्यपि अंचल पदाधिकारी को यह देखना चाहिए कि क्या ये जो केवालादार हैं इनका केवाला जमाबंदी रैयत के माध्यम से हुआ है या फिर किसी अन्य व्यक्ति से इन्होंने केवाला खरीद किया है, पर वह चूँकि मेल में आ जाते हैं इसलिए इस बात को इग्नोर कर देते हैं और उस फर्जी केवाला के आधार पर उसका मोटिशन कर देते हैं। और आपके साथ एक नई समस्या खड़ी हो जाती है। इतना ही नहीं, उस फर्जी केवाला के आधार पर वह चूँकि मोटिशन भी करा लेता है और रसीद भी कटा लेता है, और फिर यदि वह भूमि आपके दखल कब्जे में पहले से है, आप उस पर फसल उगाते हो, तो अपनी दमंगता के बल पर असामाजिक तत्वों की सहायता से आपकी फसल को लूट लेता है, आपकी फसल को जबरन काट लेता है और आपकी लगाए गए पूंजी को बेकार कर देता है और उस ज़मीन पर अपना दावा पेश करने लगता है। दोस्तों, यदि आप इस तरह की शिकायत लेकर थाना में जाते हो, फिर पंचायती राज में अपने ग्राम पंचायत के सरपंच के न्यायालय में आवेदन देते हैं, उन्हें नोटिस होता है, उसकी जांच होती है और उस पर तत्काल रोक लगा दी जाती है, लेकिन ये अस्थाई उपाय है, यह आपका अस्थाई उपाय कदापि नहीं है। इससे तत्काल आपको राहत मिल जाता है लेकिन यह बात पुनः सुलग सकती है, और इस तरह से आप ठोस कानूनी उपाय यदि नहीं करते हैं तो भविष्य में आपका खतरा बढ़ जाता है, आपकी कठिनाइयां बढ़ जाती है, आपकी परेशानी बढ़ जाती है, आप टेंशन में आ जाते हो और अंततः आपको यह ज्ञात होता है कि आपको एक ठोस उपाय करना चाहिए था।
दोस्तों इतना ही नहीं, यदि आप इस बातों को हल्के से लेते हैं और आप तत्कालीन उपाय करके उसे फसल लेने से रोक देते हैं, तो वह व्यक्ति जिसने फर्जी केवाला करवाया हुआ है वो अपने पैसे को डूबता हुआ देखकर, अपने आधार को कमज़ोर जानकर उस फर्जी केवाला को किसी तीसरे व्यक्ति के हाथों में बेच देता है। इस तरह से आप एक से दो व्यक्ति द्वारा लगाए गए अड़ंगे में फंस जाते हैं। तो दोस्तों यदि इस फर्जी केवाला के आधार पर आपके विपक्षी मोटेशन करा लेते हैं तो आप रेवेन्यू विभाग में DCLR एडिशनल कलेक्टर के न्यायालय में जाकर आप मोटेशन अपील का केस करते हैं या इस तरह का मिसलेनियस केस करते हैं, तो यह भी आपका अस्थाई उपाय नहीं है और इसमें काफ़ी समय नष्ट हो सकता है, विलंब हो सकता है और इस तरह के विवाद को सुलझाने में आपको काफ़ी समय और वक्त लग सकता है। तो इस तरह के मुकदमे के चक्कर से आप अवश्य बचें। दोस्तों मोटेशन होने या न होने से उसके टाइटल पर कोई ज़्यादा असर नहीं आता है और आप इस तरह की अगर आपके साथ घटनाएं घटी है तो आप फर्जी केवालादार के केवाला को सिविल कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और विपक्षी द्वारा कराए गए फर्जी केवाला को अस्थाई रूप से उस डीड को आप कैंसिल करा सकते हो। इसके लिए सही मुकदमा है कैंसिलेशन ऑफ डीड और इस तरह सिविल कोर्ट में आप कैंसिलेशन ऑफ डीड का जो टाइटल सूट करेंगे इसके पहले संबंधित कागजात रिलेवेंट पेपर को आप जुटा लें। इसके लिए सर्वप्रथम आपके पास जो आपके पिता द्वारा या आपके द्वारा केवाला खरीद किया गया है उस केवाला का ओरिजिनल कॉपी होना चाहिए। यदि ओरिजिनल केवाला आपके पास नहीं है तो उसका सर्टिफाइड कॉपी रजिस्ट्री कार्यालय से प्राप्त कर लें और साथ ही वो आपके विपक्षी ने जो फर्जी केवाला कराया हुआ है उसका भी सर्टिफाइड कॉपी आप नकल ले लें सर्टिफाइड का। और साथ ही जो आपकी भूमि है, जो केवाला आपके द्वारा खरीद किया गया है, तो उसका मौजा, खाता, खेसरा, रकवा एवं थाना वो थाना नंबर आपको हमेशा ज्ञात होना चाहिए। साथ ही उस ज़मीन का आपको चौहद्दी भी पूर्णतः ज्ञात होना चाहिए और यदि संभव हो तो आपके द्वारा जो केवाला कराई गई है उसका डीड नंबर भी याद रखें और केवाला कराने की तिथि भी ज्ञात रखें। साथ ही आपने जिस वेंडर से, जिस ज़मीन मालिक से ज़मीन परचेज किया है तो उस ज़मीन मालिक को वह ज़मीन कैसे प्राप्त हुआ इस बात का भी विवरण आपको ज्ञात रखना होगा, अपने अधिवक्ता को बताना होगा कि वह ज़मीन जिस वेंडर से आपने ख़रीदा है उन्हें किस प्रकार से प्राप्त हुआ है। उनके नाम से खतियानी ज़मीन है या फिर उनके पिता ने केवाला द्वारा वह ज़मीन प्राप्त किया है और उन्हें बंटवारा में वह ज़मीन प्राप्त हुआ है या फिर सीधा उनके नाम से उस ज़मीन का खतियान है। और ऐसा भी हो सकता है कि उनके जो पिता थे या स्वयं उन्होंने किसी न्यायालय द्वारा डिग्री में वह ज़मीन हासिल किया है, तो उनको वह ज़मीन कैसे हासिल हुआ है जिस वेंडर से आपने ज़मीन ख़रीदा है
इस बात का भी विवरण होना चाहिए, यह अत्यावश्यक है और यह आपको भी ज्ञात होना चाहिए। यदि आप कम पढ़े लिखे हो तो फिर डीड नंबर वगैरह याद करना बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन मौजा का ज्ञात अवश्य रखें और किसी जानकार व्यक्ति से खाता खेसरा नंबर ज्ञात कर लें और उसे हमेशा याद रखें। यह आपको भविष्य में जब आपका मुकदमा ट्रायल में जाएगा तो आपके जो बयान होंगे उसमें आपको यह सब पूछा जाएगा। साथ ही आपका केवाला कैसे वैध है इस बात की आपके पास पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। आपको ये साबित करना पड़ेगा कि हमारा केवाला वैध है, हमारा केवाला वैलिड है, और जो फर्जी केवालादार है उसने वह ज़मीन खरीदा है गलत ढंग से, इस बात को आपको साबित करना पड़ेगा और इस तथ्य की आपको पूर्ण जानकारी रखनी पड़ेगी कि उसका केवाला यदि फर्जी है तो कैसे फर्जी है। यह आप पर भार जाता है साबित करने का कि वह केवाला फर्जी है। और साथ ही जो फर्जी केवालादार हैं उसने जिस भेंडी से ज़मीन खरीदा है उसे ज़मीन बेचने का राइट ही नहीं था, उसे अधिकार प्राप्त ही नहीं था उस ज़मीन का, उसके नाम से जमाबंदी नहीं थी, ये सारी बातों का को उजागर आपको न्यायालय में करना पड़ेगा। साथ ही ये सब उपरोक्त जानकारियाँ जो जो मैंने बताया आपको, जब आप ट्रायल में अपने गवाहों को उतारेंगे, परीक्षण कराएंगे, तो पहले से ही उन्हें ट्रेंड करना पड़ेगा, इन सारे तथ्यों का उन्हें जानकारी देना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो एडवर्स लॉयर होंगे आपसे इस संबंध में बहुत तरह के सवाल पूछ सकते हैं, आपके गवाहों से पूछ सकते हैं। आप अपने मुकदमे को सत्य साबित करने के लिए आप स्वयं और अपने गवाहों को भी पहले से ट्रेंड करके रखें और इस तरह आप सावधानी पूर्वक इस कैंसिलेशन ऑफ डीड के मुकदमे को लड़ें और इसमें डिग्री प्राप्त हो जाने के बाद उस डिग्री का सर्टिफाइड कॉपी उठा लें और उस सर्टिफाइड कॉपी को लेकर तब आप पुनः मोटेशन अपील में जाएं। और कब, यदि आपके विपक्षी ने उस फर्जी केवाला के आधार पर उस ज़मीन का मोटेशन करा लिया है तो आपको मोटेशन अपील में भी जाना पड़ेगा और वहाँ आपको मदद करेगा आपका डिग्री। आपके जो ये डिग्री पेपर हैं ज़मीन के, इस आधार पर बिना कोई समय लगे अर्थात जल्दबाजी में कम समय में आपको विपक्षी का मोटेशन भी कैंसिल हो जाएगा। सिविल कोर्ट के डिग्री के आधार पर आप अपने विपक्षी को धराशाही कर सकते हैं, उनके मोटेशन को आप समाप्त कर सकते हैं और उनके केवाला को सदा सर्वदा के लिए आप कैंसिल करा सकते हो। और दोस्तों, इस संबंध में बस इतना ही कहना चाहूँगा। आगे मैं आपको सलाह देता हूँ कि यदि आपको इस संबंध में और कोई समस्या उत्पन्न होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पर अपने सवालों को भेज सकते हैं, लिखकर रख सकते हैं, और मैं प्रत्येक रविवार को अपने चैनल पर होने वाले लाइव प्रोग्राम में आपकी समस्याओं का समाधान करूँगा। आगे मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आप अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।